गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो एग्जाम में आपको ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, एग्जाम में आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर सपोज आपके पास एक फ्रीक्वेंसी रेंज है तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में उस फ्रीक्वेंसी रेंज को डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर सपोज ये हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज है तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में इस फ्रीक्वेंसी रेंज को अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स में डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी बैंड F1, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी बैंड F2, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी बैंड F3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब हमारे पास अलग अलग चैनल्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम सिग्नल्स या डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हर चैनल को अपना एक खुद का फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चैनल K1 को अपना खुद का फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट किया गया है, दैट इज फ्रीक्वेंसी बैंड F1। चैनल K2 को अपना खुद का फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट किया गया है, दैट इज फ्रीक्वेंसी बैंड F2। चैनल K3 को अपना खुद का एक फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट किया गया है, दैट इज फ्रीक्वेंसी बैंड F3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब अगर सपोज सिग्नल 1 को ट्रैवल करना है तो वो सिग्नल 1 फ्रीक्वेंसी बैंड F1 के थ्रू ट्रैवल करेगा बट वाया चैनल K1। अगर सपोज सिग्नल 2 को ट्रैवल करना है तो वो फ्रीक्वेंसी बैंड F2 के थ्रू ट्रैवल करेगा बट वाया चैनल K2। अगर सपोज सिग्नल 3 को ट्रैवल करना है तो वो फ्रीक्वेंसी बैंड F3 के थ्रू ट्रैवल करेगा बट वाया चैनल K3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब ये जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स है ये नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी बैंड्स है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। क्यों? इसके पीछे का श्रेय जाता है गार्ड स्पेस को। गार्ड स्पेस का मतलब क्या होता है? अगर आप ये ओरिजिनल डायग्राम देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर फ्रीक्वेंसी बैंड के बीच में एक छोटा सा स्पेस है और उस स्पेस को गार्ड स्पेस कहते हैं, और इसी के बदौलत, मतलब गार्ड स्पेस के बदौलत, फ्रीक्वेंसी बैंड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। तो गार्ड स्पेस का ये वैशिष्ट्य होता है, मतलब फायदा होता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का एग्जांपल पढ़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस एग्जांपल इसका है रेडियो स्टेशंस। अगर सपोज आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते चलाते आप FM ऑन करते हो, तो FM में अगर आपने 91.1 ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके FM को डाला तो रेडियो सिटी 91.1 के गाने आपके FM में बजेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 का चैनल अलोकेटेड है और इसीलिए आपके गाड़ी में उस चैनल के गाने ही बजेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस एग्जांपल है। अब एग्जांपल हो गया, देन उसके बाद चैनल क्या होता है वो समझा दिया। चैनल का मतलब ये K1, K2, K3, K4, K5 ये सारे के सारे चैनल्स हैं, और इसका इस्तेमाल क्यों होता है? इसका इस्तेमाल डेटा को या सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज गार्ड स्पेस क्या होता है, ये भी समझा दिया। गार्ड स्पेस की वजह से फ्रीक्वेंसी बैंड्स ओवरलैप नहीं होते। देन उसके बाद इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है ये डिजिटल सिग्नल के साथ भी काम कर सकता है और एनालॉग सिग्नल के साथ भी काम कर सकता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बैंडविड्थ का वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के दो यूसेजेस है, मतलब दो जगह ऐसी है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बहुत ज़्यादा पैमाने पे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज केबल टीवी में इसका यूसेज बहुत ज़्यादा है, एंड सेकेंड इज रेडियो स्टेशन, जैसे कि हमने पहले देखा था एग्जाम्पल में, वहाँ पे इसका यूसेज बहुत ज़्यादा है। अब इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए या बेटर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।